हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेजर्ट की रेसिपी। ये फ्रूट कस्टर्ड डेजर्ट हम बनाएंगे मिनटों में। तो इस कलरफुल डेजर्ट को बनाना है बहुत ही आसान। इस कस्टर्ड पुडिंग को हम बनाएंगे आज जेली के साथ। आज हम बनाएंगे सिंपल से कस्टर्ड को एक यूनिक स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं पुडिंग बनाना। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपके स्क्रीन पर इस तरह से रेड बटन आ रहा है तो उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपने इसे ऑल नहीं किया है तो ऑल बटन दबा दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बर्तन के अंदर गर्म पानी। यहाँ पर मैंने एक कप गर्म पानी लिया है। इस तरह से मैं ये रेडीमेड वाला जिलेटिन का पाउडर ले रही हूँ। यहाँ ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कोई भी सुपरमार्केट में आप जेली का पैकेट लेकर आ जाइए और इस तरह से गर्म पानी में डालकर इसे बना लीजिए। इसे डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस है वो उस पैकेट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मैं जेली को इस तरह के बाउल्स के अंदर सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी पुडिंग की ग्लासेस हो या फिर आइसक्रीम के कप्स हो उसके अंदर भी इस जेली को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जेली थोड़ी ज्यादा बन गई है तो मैंने एक बाउल और ले लिया है। इन बाउल्स को इसी तरह 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसे बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। इसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारी जेली सेट होती है हम बना लेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ ले रही हूँ मैं एक पैन के अंदर एक कप मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, आप चाहो तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो। बस जब आप इसे बॉईल करो तो थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए ज़्यादा बॉईल कीजिए ताकि ये गाढ़ा बन जाए। मैंने यहाँ फुल फैट मिल्क ले लिया है तो मैं इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी। दूध को अच्छे से उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 कप शुगर। इसे भी हम इसके अंदर डालकर अच्छे से 2 से 3 मिनट और उबलने देंगे ताकि जो शुगर है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। जब तक शुगर मेल्ट होती है हम कर लेते हैं कस्टर्ड की तैयारी। अब मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून चिल्ड मिल्क। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड। एक हाथ से हम कस्टर्ड डालेंगे और दूसरे हाथ से हम कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड के कोई भी इसके अंदर लम्स ना हो। ये देखिए बहुत ही जल्दी से ये गाढ़ा पड़ जाता है। तो ये दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हमारा कस्टर्ड कम्प्लीटली बनकर तैयार है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसे ठंडा करते समय हमें कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक पतली सी मलाई आ जाएगी और इसमें लम्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ले लिया है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने। हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रूट्स। तो यहाँ ले रही हूँ मैं ग्रेप्स ग्रीन वाले। यहाँ पर मैंने लिए 1/4 कप ग्रेप्स जो फाइनली चॉप कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप ब्लैक वाले ग्रेप्स फाइनली चॉप कर। अब हम इसके अंदर डालेंगे एप्पल। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप फाइनली चॉप की हुई एप्पल। आप चाहो तो आपके हिसाब से कोई भी फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब हम कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैं ले रही हूँ फाइनली चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम। इन दोनों को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इस कस्टर्ड के अंदर आपके मन चाहे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हमारी जेली भी सेट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैंने जेली को फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से जेली सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड। तो इसके ऊपर हम डाल रहे हैं इस तरह से कस्टर्ड। इस कस्टर्ड पुडिंग को बनाना है बहुत ही आसान। आप सिंपल से कस्टर्ड पुडिंग की जगह अगली बार अगर इस तरह से कस्टर्ड पुडिंग बनाएंगे तो आपके मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। कस्टर्ड को सारे बाउल्स के अंदर फिल करने के बाद अब हम उसको गार्निशिंग कर देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ। इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग बनाने के लिए डाल रही हूँ जेली। तो यहाँ पर मैंने मार्केट से लाई हुई जेली इस्तेमाल की है। आप चाहो तो जो जेली हम नीचे सेट की है हमने उसको भी अलग से प्लेट के अंदर सेट कर उसके छोटे छोटे पीसेस भी इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलरफुल जेली का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पर कलरफुल जेली की जगह टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बनेगी। इस कलरफुल कस्टर्ड पुडिंग को देखकर तो किसी का भी मन कर जाएगा खाने का। तो इस बार आप भी जब कस्टर्ड बनाना चाहो तो इस तरीके से कलरफुल कस्टर्ड बनाइए और हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैं इसे आपको स्पून से निकाल कर बताती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी जेली बनकर तैयार हुई है और कितना परफेक्ट हमारा कस्टर्ड बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी
अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाइए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा यम्मी यम्मी रेसिपीज लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।